A happy morning to all of you. Today we will start with the new chapter which is chemical kinetics. Earlier we have studied about the spontaneity of reaction in the branch of thermodynamics, which tells us about whether the reaction will take place or not. Also, we have studied about the extent to which the reaction will take place in chemical equilibrium. बट वाट अबाउट द रेट्स ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है सो कैमिकल कैनेटिक्स डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन सो दिस इज द न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स एंड द रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स एक तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या स्पीड है या रेट है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और कौन सा मकानिज़्म इन्वॉल्व है जिसके कारण जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है सो so इसमें हमें रेट्स के बारे में पता चलेगा फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा और रिएक्शन का मकानिज़म क्या है पाथवे क्या है उसके बारे में पता चलेगा सो दिस इज़ अबाउट कैमिकल कैनेटिक्स ना व्हाट इज़ रिएक्शन रेट हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं एक्चुअल में हमारा मेन मीनिंग क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज इन मोल पर लीटर ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम टाइम कैन बी इन सेकेंड्स मिनट्स और आवर्स रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या कितनी चेंज इन कंसेंट्रेशन आपको दिखाई देती है इट इज़ अ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ टाइम जैसे आपको नीचे गिवन है फॉर्मूला बेस्ड रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितनी कंसेंट्रेशन में चेंज आया पर यूनिट टाइम दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन देन जैसे हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं ए गिव्स राइस टू बी ठीक है रिएक्टेंट्स यहाँ पे ए हैं और जो बी है वो आपके पास प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही है तो हमें अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट किसके इक्वल होगा इट इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अब ए को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है बिकॉज ये हम कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं और डेल्टा वर्ड क्या है ये आपको चेंज के बारे में बता रहा है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकर पर यूनिट टाइम सो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी कितने टाइम में ए की कॉन्ट्रेशन चेंज हुई ये होगी रिएक्टेंट की बात या फिर रेट किसके किसकेक्वल हो सकता है इट कैन ऑल्सो भी इक्वल्स टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट सो डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी सो दिस विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने वाला है वो क्या है कि जब आपने रेट ए के रिस्पेक्ट में लिखा है जो आपका रिएक्टेंट था तो वहाँ पे आपका जो साइन है वो नेगेटिव यूज़ हुआ है नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि जो ए की कंसेंट्रेशन है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज ए की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी तभी न्यू प्रोडक्ट्स जो बी हैं वो फॉर्म होंगे इसलिए जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे दैट इज़ शोइंग ड्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम इसलिए हम हमेशा रिएक्टेंट्स के केस में जब भी रेट लिखेंगे हम हमेशा नेगेटिव साइन यूज करेंगे देन आपको सेम इसी तरह से ए गिव राइज टू बी ग्राफिकली शो किया गया कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है जैसे आप टाइम के साथ मूव कर रहे हैं पहले आपके पास सिर्फ ए के पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट्स में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वहाँ पे बी भी जो है वो फॉर्म होता जा रहा है एक पॉइंट पे आके आपके पास लास्ट में कुछ टाइम के बाद जितना रिएक्शन होना था आपके पास लास्ट में कंप्लीट जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो गए तो आपको ग्राफिकली भी देखो यहाँ पर शो किया गया रेट सेम लिखा हुआ है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बिकॉज जो ए है वो रिएक्टेंट्स हैं और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ये क्योंकि बी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं ग्राफिकली भी देखो आपको शो किया गया कि जो एक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रही हैं टाइम के साथ साथ जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी है टाइम के साथ साथ उनकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको इस तरह से कम होते दिखाई दे रहे हैं और ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है मॉलिक्यूल्स की साथ साथ टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है बी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है दैट मीन्स जो बी हैं वो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते जा रहे हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होते जा रहे हैं सो so ये आपको ग्राफिकली शो किया गया देन नेक्स्ट इज रेट एक्सप्रेशन रेट एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है वी नो हाउ टू वर्क आउट द रेट ऑफ रिएक्शन बट दैट डजेंट टेल अस इफ ऑल द रिएक्टेंट्स मेक द सेम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रिएक्शन और नॉट ठीक है तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं हमने रिएक्शन बना लिया रिएक्शन को देख लिया कैसे वर्कआउट कर रहा है हमने रेट भी चेक कर लिया बट क्या वो हमें एक्चुअली में ये एक्सप्लेन करता है कि सभी रिएक्टेंट्स वहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या इक्वल नहीं दे रहे हैं कोई एक रिएक्टेंट ज़्यादा दे रहा है एक रिएक्टेंट कम दे रहा है तो वहाँ पर हम रेट एक्सप्रेशन चेक करते हैं दैट इज़ वेयर द रेट एक्सप्रेशन कम्स इन जैसे आपको रिएक्शन गिवन है एक्स प्लस वाई गिव्स राइज टू जेड अब यहाँ क्या केसेस हो सकते हैं एक्स में मेक मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन देन वाई हो सकता है कि एक्स ने क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं एक्स और वाई एक्स ने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो एज़ कम्पेयर टू वाई और एक्स में मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन वाई और हो सकता है कि पूरा जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसमें एक्स पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स की कोई है ही नहीं सिर्फ वाई ही है जिस पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन तो हमारे पास जो एक वेव बचता है वो हम कैसे चेक करते हैं इसको देखने के लिए कि किस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन और उसके अकॉर्डिंग जो है हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं सो रेट एक्सप्रेशन जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द ओवरऑल रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन के लिए क्या है यू सी स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड अ फॉमूला इट मीन्स कंसेंट्रेशन जैसे एच सी एल को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या है कंसेंट्रेशन जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं वहाँ कंसेंट्रेशन लिखते हैं तो अब रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे हम ठीक है जैसे एक्सप्लस वाई आप जो रिएक्शन uh, पढ़ के आए हैं वो क्या था एक्स प्लस वाई गिव्स राइज टू जेड तो हम क्या कहेंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्स एंड वाई और उनकी कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमने इसको एक रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का वी हैव राइट इट डाउन देन रेट एक्सप्रेशन आपने लिख दिया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू वाई दिस सजेस्ट दैट एक्स एंड वाई बोथ हैव एन इक्वल इफेक्ट अब इससे हमें क्या पता चल रहा है जब आपने दोनों को साथ में लिखा कि यहाँ पे एक्स और वाई का दोनों का इक्वल इफेक्ट है टू द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन जैसे आपको एक क्वेश्चन बना हुआ है व्हाट वुड हैपन इफ वी डबल द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स और वाई अगर आप एक्स या वाई की कंसेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन तो वो भी डबल हो जाएंगे सिमिलरली व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड वाई रेज टू द पार्ट डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वाई वुड क्वाड्रप्पल द रिएक्शन रेट अब आपने y की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दी है जब आपने y को y स्क्वायर कर दिया है दैट मीन्स वहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन है वो फोर टाइम्स हो जाएगा वो क्वाड्रप्पल्ड हो जाएगा पहले आप एक्स वाई की डबल कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा अब यहाँ पे क्या करें आपने y को y स्क्वायर कर दिया है तो दैट मीन्स आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फोर टाइम्स हो जाएगा दैट विल बी क्वाड्रप्पल्ड इससे रिलेटेड नमेकल्स भी हमारे पास होते हैं वन मार्क बेस्ड जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे देन रेट कॉन्स्टेंट जो नेक्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज रेट कॉन्स्टेंट नाउ अनफॉर्चुनेटली प्रोपोर्शनैलिटी साइंस आर नॉट वेरी यूजफुल टू अस आपको पता ही है जिस भी आपके पास इक्वेशन में प्रोपोशनैलिटी साइन होता है हम वहाँ से उसको रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज करते हैं सो so, के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और उसको हम नेम देते हैं रेट कॉन्स्टेंट तो रेट इज इक्वल्स टू किसके बन जाता है के इन एक्स इंटू वाई टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है के इज़ डिफरेंट फॉर एवरी रिएक्शन ठीक है हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग होगा एंड इट वेरीज़ विद टेम्परेचर सो टेम्परेचर मस्ट बी स्टेटेड व्हेन कोटिंग की हमेशा टेम्परेचर के साथ ये चेंज होगा उसको अफेक्ट करता है इसलिए जब भी हम रेट uh, कांस्टेंट बता रहे हैं हमें वहाँ पे टेम्परेचर जो है मेंशन करना होगा देन नेक्स्ट टर्म इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होती हैं सबसे पहले आपने काइनेटिक्स पढ़ा क्या है फिर आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखा फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं रेट एक्सप्रेशन फिर हम वहाँ रेट कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ़ द रिएक्शन हर रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है वो कैसे होता है देखो आपने अभी इक्वेशन देखी रेट इज इक्वल्स टू के टू दिन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू द पार्ट टू जैसे अभी हमने देखा था अगर हम वाई की कॉन्सेंट्रेशन को वाई स्क्वायर कर देते दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई अब देखो यहाँ क्या है इसका मीनिंग क्या है मीन्स दैट वाई हैज़ डबल द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि इस रिएक्शन में जो वाई जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी प्रोवाइड कर रहा है वो एक्स से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है एंड इट इज वाई स्क्वायर दैट मीन्स डबल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्स इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई बनेगा सो एक्स मस्ट हैव एन ऑर्डर ऑफ वन ठीक है क्योंकि एक्स जो सिंपल लिखा हुआ है ना तो दैट मीन्स एक्स की जो पार है वो वन होगी तो चाहे एक्स लिखें चाहे एक्स रे टू पार वन लिखें वो एक ही बात है सो so, जो ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर हो गया जो ऑर्डर बनेगा इस रिएक्शन का वो क्या बनेगा वन प्लस टू दैट मीन्स ये रिएक्शन जो हो गया आपके पास थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया क्योंकि वाई की यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो एक्स से ज़्यादा है और उसका डबल द इफेक्ट है इसलिए जो ऑर्डर है वो रिस्पेक्ट टू वाई देखने को मिलेगा आपको और जब आप इसका ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो दोनों का ऐड होगा क्योंकि दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं पर एक ज़्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है तो वो हमें कैसे पता चला वाई ज़्यादा दे रहा है बट जब हम टोटल ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे दोनों को पावर्स जो हैं उनको ऐड कर देंगे सो इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सो रेट एक्सप्रेशन जैसे जब भी हम लिखते हैं अगर हम एक जनरल रिएक्शन देख रहे हैं सो टेकिंग इन टू काउंट द रेट कॉन्सटेंट इन द रिएक्शन ऑर्डर द ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन किसी का भी जब हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो जितनी किसी भी रिएक्टेंट की आपके पास ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी टू द रेट हम वो उसकी रेस टू द पार में मैंशन करेंगे ठीक है तो हमने इसको जनरली कैसे लिखा है रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पार एम कंसेंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू द पार एन ऑफ द रिएक्शन जिसे आप एड कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर क्या बन जाएगा एम प्लस एन तो आपको इतने पार्ट में ये पता चल गया काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन रेट कॉन्स्टेंट और ऑर्डर सो थैंक यू एवरी वन